हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ मिश्रा मेरी किचन में आप सभी को स्वागत है। ये कार्तिक महीना चल रहा है और यह इस दिन में बहुत लोग बिना प्याज लहसुन के खाना भी खाते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ बिना प्याज लहसुन के चने दाल आलू और कद्दू की रेसिपी लाई हूँ। आप ज़रूर ये रेसिपी घर में ट्राई करिए और मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। और मेरे चैनल में पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो अभी हम शुरू करते हैं ये रेसिपी। सबसे पहले हम चने दाल को 2 घंटे से भिगा के रखेंगे और उसको अच्छे से धो लेंगे और आलू और कद्दू से छिलका निकाल के उसको भी अच्छे से धो लेंगे। मैं यहाँ पर 2 जन के लिए क्वांटिटी के हिसाब से मैं सब्जी चने दाल को लिया हूँ। आप चाहो तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ लीजिए। और यहाँ पर एक कुकर लिया हूँ, उसमें चने दाल को डालेंगे धो के और ये कद्दू और आलू को भी डालेंगे उसमें। कद्दू और आलू डालने के बाद अभी हम उसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 ग्लास पानी यूज़ कर रही हूँ ताकि कद्दू और आलू थोड़ा सा डूब जाए पानी में, उतना ही पानी में डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और ये सब डालने के बाद अभी हम गैस ऑन करेंगे और उसमें हम हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, बस इतना ही उसमें हम अभी डालेंगे और कुछ भी नहीं। ये डालने के बाद हम अभी कुकर को सीटी देंगे। अभी मैं इसको 2 सीटी देकर बंद कर लिया और उसमें 2 सीटी के बाद वो थोड़ा सा कुक हो जाएगा उसके अंदर। अभी हम लाएंगे हरी मिर्ची। यहाँ पर मुझे हरी मिर्ची नहीं मिली तो ये काला बेला मिर्ची है, तो ये हरी मिर्ची लेंगे और टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे और अदरक को, हरी मिर्ची को हम दरदरा कूट लेंगे। कूटने के बाद अभी हम कुकर में सीटी निकाल के अभी हम देखेंगे कि कितना कुक हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा कुक हो गया है। अभी हम उसको साइड करेंगे। अभी एक कढ़ाई या कुछ बर्तन लीजिए जिसमें आप बिना प्याज लहसुन का खाना बना रहे हो, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा बर्तन लिया हूँ। उसको गर्म करेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम जीरा डालेंगे, उसमें 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी मिर्ची, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 1 दालचीनी को डालेंगे और उसमें टमाटर को डालेंगे। उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हम थोड़ा सा टमाटर कुक हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। फिर अदरक लहसुन को जो कूट के रखे थे उसको डालेंगे और उसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद हम उसमें जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हम, मैं यहाँ पर रेड चिल्ली पाउडर यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं हरी मिर्ची का यूज कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ही यूज करें। और उसको 2 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भूनेंगे। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा उसके बाद हम कुकर में जो चने दाल आलू और कद्दू को कुक करके रखे थे उसको भी अभी हम उसमें डालेंगे। अभी मसाला कुक हो गया है। अभी हम ये कुकर में जो रखे थे चने दाल को उसको अभी हम उसमें डालेंगे। ये डालने के बाद अभी हम चने दाल को मसाले के साथ 2 मिनट के लिए भुनेंगे क्योंकि ये कुक हो गया है तो ज़्यादा हम उसको भुनेंगे नहीं। 2 मिनट के लिए अभी हम उसको भुनेंगे। 2 मिनट के बाद मैं यहाँ पर गर्म पानी 1 कप ही यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा गर्म पानी देकर उसको फिर से 2-3 मिनट के लिए कुक होने के लिए गैस में छोड़ देंगे। उसके बाद हम वो गैस को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद अभी हम उसमें ना कोई मसाला ना कोई पाउडर डालेंगे, बस धनिया पत्ता डालेंगे और धनिया को डालकर अभी हम गर्मा गर्म ये चने दाल की करी को हम चावल, रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं और ये बहुत आसान है। आप जरूर घर में बनाकर खाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।